हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आरुश्री और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल गेट ऑनलाइन एजुकेशन पर दिल से स्वागत करती हूं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के आइकन पर क्लिक करिए और हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक ग्रामर सीखने को मिलता है। बेसिक ग्रामर से लेकर हम लोग हाई लेवल ग्रामर तक पढ़ाते हैं, जिसमें हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर सिंथेसिस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन और बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाएंगे और सिखाएंगे भी। और आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी ज्वाइन हो सकते हो। आप सिंपली गेट ऑनलाइन एजुकेशन टाइप के सर्च करिए और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से ज्वाइन हो जाइए। हमारे इंस्टाग्राम पे आपको दो पेजेस मिलेंगे, एक है हमारा 24 आवर्स मोटिवेशन और सेकंड हमारा है गेट ऑनलाइन एजुकेशन। फर्स्ट पेज पे हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशनल क्वोट्स प्रोवाइड करते हैं और जिस पे हमारे 1300 फॉलोवर्स क्रॉस हो चुके हैं और भी बहुत सारे लोग उस पे जुड़ रहे हैं धीमे धीमे करके। अगर आप तक नहीं ज्वाइन हुए हो तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप भी बहुत सारी चीज़ें सीख सको, ठीक है। आपको हमारे दोनों पेजेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इसी तरह के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होकर मैसेज करके आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स भी ले सकते हो। आपको इसका कोई चार्जेस नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग, अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने आपको सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, अगर आपने वो अब तक नहीं पढ़ी हैं तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से भी बहुत अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन्स ऑफ नंबर, मतलब नाउन ऑफ नंबर, नंबर हमारे कितने होते हैं, नाउन के जो नंबर होते हैं आज हम लोग इसको पढ़ेंगे कि हमारे कितना होता है, क्या होता है, ठीक है। आज हम पर उसको पढ़ते हैं, उसके बाद आज हमारे नाउन वाला सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। इसके पहले वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब हम लोग आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, द नाउन मतलब नंबर, द नाउन मतलब नंबर, आज के बारे में हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखते हैं पहले हम लोग क्या है। जो हमारा नंबर होता है वो भी हमारा दो टाइप्स का होता है। जो हमारा नंबर होता है, नंबर आर टू टाइप्स दे आर। तो हमारी कौन कौन सा होता है, एक होता है सिंगुलर और सेकंड होता है हमारा प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। अब सिंगुलर और प्लूरल हमारा क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। जैसे लिखा है, जिस संख्या से एक का ज्ञान हो, मतलब जिस संख्या से एक का ज्ञान हो, जैसे कोई एक वस्तु है, एक इंसान है, एक जगह है, एक किसी सिंगुलर मतलब एक सिंगल चीज़ का, ठीक, उसे ही हम लोग तक उसका हम लोग पता चले कि हाँ ये चीज़ हमारी सिंगल एक है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग उसे, सिंगुलर कहेंगे। और प्लूरल हमारा क्या होता है, जिस संख्या से मतलब जिस संख्या से एक या एक से अधिक, मतलब एक से अधिक हो, ठीक, दो हो या फिर दो से अधिक हो, एक ना हो, एक से अधिक का ज्ञान हो उसे प्लूरल कहते हैं। जैसे दो पेंसिल हो गया हमारा, दो पर्सन हो गए, दो जगह हो गई, ये सब हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। आई होप आपको सिंगुलर और प्लूरल को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत होती, कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही में हर वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर हमें बता दे दिया करिए, ताकि हमको भी पता चले कि आपको वीडियो हमारी समझ में आ रहे हैं, हमारा पढ़ाई आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसके रूल्स होते हैं, वो जानेंगे क्या है। देखिए लिखा है, नाउन जो फर्स्ट हमारा रूल है, नाउन जो होता है इसके अंत में हम लोग एस जोड़ के हम लोग प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, बैग लिखा है हमारा, बैग में हम लोग एस लगाया तो हो जाएगा बैग्स, बैल बॉल का बॉल्स, बैट का बैट्स, बुक का बुक्स, कैप कैप्स, कैट कैट्स, काउ काउस, डेक्स डेक्स डेक्स, ठीक, फॉर्म फॉर्म्स, फॉर्म फॉर्म्स, फिर गैंग गैंग्स, गर्ल गर्ल, गोट गोट्स, जग जग्स, लैम्प लैम्प्स, नेट नेट, निप निप्स, पैन पैंस, पेन पेंस, डोर डोर, डॉग डॉग्स। तो ये सब हमारा क्या है, जो हमने देखी ये हमारा सिंगुलर है, एक तरफ हमारा सिंगुलर दे रखा है और एक तरफ हमारा
प्लूरल दे रखा है, तुमने जब इसमें एस लगा दिया तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो प्लूरल में चेंज हो जाएगा। कुछ शब्द हम लोग एस लगा के चेंज कर सकते हैं। तो रूल नंबर वन आपको समझ में आएगा प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। अब सेकंड देखते हैं हमारा क्या है। सेकंड हमारा नाउन के अंत में एस मतलब ई एस का भी अंत में जोड़ देते हैं, मतलब जो एंडिंग होती है वर्ड की उसमें लोग ई एस भी लगाते हैं। कुछ में एस लगाते हैं और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम लोग ई एस लगाते हैं। जैसे लिखा है बेंच तो हो जाएगा बेंचेस, ब्रांच ब्रांचेस, बॉक्स बॉक्सेस, बफेलो बफेलोस, ब्रश ब्रशेस, बंच सॉरी बस बसेस, क्लास क्लासेस, डिश डिशेस, ग्लास ग्लासेस, गैस गैसेस, किस किसेस, मैंगो मैंगोस, मैच मैचेस, मॉस्किटो मॉस्किटोस, मोटो मोटोस, हीरो हीरोस, नेग्रो नेग्रोस, पोटैटो पोटैटोस, टैक्स टैक्सेस, वॉच वॉचेस। ठीक है, तुम लोग जब किसी एक वर्ड में लोग ई एस लगा एस लगा या फिर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम लोग ई एस लगा के उसका प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। हमने आपको वर्ड्स लिखवा दिए हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर थर्ड और रूल नंबर फोर पे। रूल नंबर थर्ड देखते क्या है हमारा। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिसमें अंत में प्रयुक्त वाई को हटा के ई एस लगा। जैसे लास्ट में कोई वर्ड हमारा दे रखा है उसको हम लोग क्या चेंज कर देंगे किस में, उसमें हम लोग एस कीजिएगा, मतलब वाई लगा है अगर कोई भी शब्द में उसमें वाई को रिमूव करके हम लोग आई ई एस को ज्वाइन कर देते हैं। जैसे लिखा है आर्मी तो क्या हो जाएगा आर्मीज, बेबी बेबीज, बॉडी बॉडीज, सिटी सिटीज, क्राई क्राइज, एनिमी एनिमीज, फैक्ट्री फैक्ट्रीज, फ्लाई फ्लाइज, लेडी लेडीज, पोनी पोनीज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लूरल में चेंज हो जाएगा, जिसमें देखिए लास्ट में हमने क्या बोला, लास्ट में वाई हटा देंगे, वाई हमारा है समय देखिए वाई हमारा लगा हुआ है। ठीक, तो हम लोग वाई को रिमूव कर देंगे, उसकी जगह हम लोग क्या लगा देंगे आई ई एस, क्या लगा देंगे आई ई एस। आई होप आपको थर्ड रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं रूल नंबर फोर और रूल नंबर फाइव। रूल नंबर फोर में क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे एफ या एफ ई को हटा के हम लोग क्या लगेंगे वाई ई एस लगा देंगे। ठीक, जैसे कुछ शब्द होते हैं उसमें एफ लगा है लास्ट में एफ लिखा है तो उसको हम लोग वाई ई एस में चेंज कर देते हैं। जैसे लिखा है काल्फ तो लिखा काल्फ्स, नाइफ नाइफ्स, लीव लीव्स, लाइफ लाइव्स, लोफ लोफ्स, थीफ थीफ्स, वाइफ वाइफ्स, वुल्फ वुल्फ्स। देखिए एफ लगा है सब में हमारा, एफ लगा हुआ है एफ या एफ ई, एफ या फिर एफ ई, तो उसको हम लोग ने हटा के क्या कर दिया है वी ई एस लगा दी, क्या लगा दिया है वी ई एस। आई होप आपको ये फोर रूल भी समझ में आएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग फाइव रूल। फिफ्थ रूल है हमारा नाउन के अंत में अगर ई एन या आर ई एन लगा, अंत में एन या मतलब ई एन लगा सकते हैं या फिर आर ई एन को लगा सकते हैं। ठीक, अब जैसे लिखा है चाइल्ड, क्या लिखा है हमारा ये चाइल्ड लिखा हुआ है, तो चाइल्ड को हम लोग कैसे करेंगे, चाइल्ड को हम लोग लिखेंगे चिल्ड्रेन, मतलब आर ई एन लगा के हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, चाइल्ड को हम लोग चिल्ड्रेन में कर सकते हैं। ऑक्स लिखा हुआ है तो ऑक्स को ऑक्सेस में चेंज करेंगे, इसमें ई एस लगा देंगे, मतलब ऑक्सन में सॉरी ओ एक्स ओ एक्स ई एन ऑक्सन। आई होप आपको यह भी रूल समझ में आ गया होगा। रूल नंबर फाइव हमारा क्या है देखते हैं। नाउन के नाउन जो होता हमारा होता है उसमें लास्ट में एन ई मतलब सॉरी ई एन या फिर आर ई एन भी लगा के हम लोग उसको प्लूरल में बना सकते हैं। जैसे लिखा है चाइल्ड, ठीक क्या लिखा हुआ है हमारा चाइल्ड लिखा है, तो चाइल्ड हम लोग आर ई एन लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन, आर ई एन लगा दो हो जाएगा चिल्ड्रेन। ऑक्स लिखा है तो ऑक्सन मतलब ओ एक्स ई एन ओ एक्स ई एन, यहाँ पर सॉरी कटिंग आई नहीं है इसमें तो उसको आप लिख लीजिएगा ओ एक्स ई एन ऑक्सन। ठीक है, अब रूल नंबर हम लोग देखते हैं सिक्स कि नाउन के अंदर वोवेल मतलब स्वर बदल जाता है। जो हमारे से कुछ शब्द ऐसे होते हैं इसमें जो वोवेल होता है, वोवेल आपको पता होगा ए ई आई ओ यू, क्या होता है हमारे वोवेल ए ई आई ओ
और यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, वोवेल होता है हमारा। तो इसको हम लोग चेंज करके क्या लगाते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक, जैसे लिखा है फूट, एफ डबल होती फूट, तो हम लोग इसको क्या चेंज कर दी, फीट, फूट का फीट चेंज में हो जाएगा। गूस मतलब हंस, मतलब गीस। ठीक, अब मैन मैन, हाउस मतलब सॉरी माउस माइस, टूथ टीथ, वुमेन वुमेन। ठीक, इसमें हम लोग आपको मैंने बता दी वॉवल्स को हम लोग चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर सेवन। रूल नंबर सेवन क्या है, हम लोग नाउन का एक वचन और बहुवचन समान होता है। कुछ चीज़ ऐसे, कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं कि उनको चाहे सिंगुलर लिखो चाहे प्लूरल लिखो, उसको कोई भी चेंजेस नहीं होते। जैसे लिखा है डियर, तो डियर को हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। डजन डजन मतलब नो चेंज होगा। फिश फिश होगा। पाइस पीस पीस होगा। शिप शिप, स्वाइन और स्वाइन, नो चेंज। ओके, अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर एट। और आज के साथ इसके बाद हम रूल नंबर एट के बाद हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। साथ में हमारा नाउन वाला चैप्टर भी यहीं पे हम लोग क्लोज कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या है कंपाउंड नाउन, मतलब कंपाउंड नाउन संयुक्त नाउन का बहुवचन प्राय मुख्य शब्दों के अंत में लगाने से बनता है। अब ऐसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उसको हम लोग कुछ चीज़ें चेंज कर, जैसे लिखा है कमांडर। ठीक, तो कमांडर्स हो गए, कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स इन चीफ। डॉटर इन लॉ मतलब डॉटर्स इन लॉ। पेसर बाय तो पेसर्स बाय। सन इन लॉ मतलब सन्स इन लॉ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, मैंने जितने आपको रूल नंबर वन से रूल नंबर एट तक आपको पूरे रूल्स बताए हैं चेंज कैसे हो सकता है। आप अपने अपने बुक्स में इसको चेंज करिए, पहचानिए, कहीं भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार बनाए रखिए जैसे आप लोग हमारे सारी वीडियो को प्यार देते हो, वैसे ही आगे भी देते रहिए। और वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।